Friends, welcome to my channel Rachna Jadhav. Yes, again I am with Excel, and in that we are going to see today the shortcut keys. आज हम लोग देखेंगे shortcut keys के बारे में. Only 10 shortcut keys today I will discuss with you, which are normally we are using in our daily life for Excel. So first start with, आपको अगर आप enter करते हो, you mean you are entering any data and afterwards you want to cancel it. उसी time पे आपको अगर cancel करना है, then you can press the escape key. आप एस्केप की प्रेस करोगे तो वो कैंसिल कर देगा वो एंट्री को. ओके, देन इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है देन यू हैव टू जस्ट प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, सो इट विल बी एक्सेप्टेड ओवर देयर. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट थर्ड, शिफ्ट प्लस स्पेस बार फॉर व्हाट, टू एंटायर रो. अगर आपको एंटायर रो सिलेक्ट करना है, आप वो सेल सिलेक्ट करेंगे वेर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट द एंटायर रो, एंड जस्ट आई विल प्रेस इट द शिफ्ट एंड स्पेस बार. You can see the row is selected. Row किसको बोलते हैं? Horizontally and column vertically. Now if you want to select the column, तो मुझे इस column select करना है. So you can see the column that is D for us. तो हम लोग control plus spacebar select करेंगे. So what it will do? It will select the whole column. Okay. Now the next one is control plus home. अगर आपको starting किस cell पे जाना है, the starting cell that everyone know by default it is A1, right? तो A1 पे आपको लेके जाना है. यू आर ऑन दिस वे टू द एंट्री दैट इज D5, और आपको फिर से डायरेक्टली आपको फर्स्ट सेल पे जाना है. देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस होम, सो यू विल गो टू द फर्स्ट सेल ऑफ द शीट, राइट? आपके फर्स्ट सेल पे चले जाओगे शीट पे. नेक्स्ट आफ्टर दैट, यस, कंट्रोल प्लस एंड, राइट? तो आप जैसे ही कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे, तो लास्टली जहां आपने एंटर किया, वेर एवर यू हैव एंटर्ड एनी डेटा, सो देयर इट विल गो, और वेर यू हैव कैप्ट द लास्टली दिस कर्सर. ओके, तो आपने जो लास्टली कर्सर जो लास्ट सेल पे किया होगा वहां वो चला जाएगा. नाउ अगेन यू जस्ट सी, आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर, एंड नाउ आई विल प्रेस कंट्रोल प्लस एंड. यू कैन सी दैट आई एम ऑन दिस सेल. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट होम, राइट? तो होम प्रेस करने से क्या होगा, लाइक आई एम ऑन दिस रो और मैं उसमें होम प्रेस करूं, तो वही रो के फर्स्ट सेल पे वो चला जाएगा. इट विल गो टू द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ दैट रो. ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट, टैब की. एवरीवन मस्ट बी नोइंग, एरो कीज भी आप यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज द टैब की टू गो टू द नेक्स्ट सेल. ओके, तो आप नेक्स्ट सेल पर आपको जाना है, तो आप राइट साइड में जाना है, तो इट विल गो लाइक दिस विद द टैब की. बट नाउ यू वांट टू गो टू द लेफ्ट साइड. अगर आपको लेफ्ट साइड में जाना है, सो व्हाट यू विल डू, शिफ्ट एंड टैब यू विल प्रेस इट. ये देखिए, वो प्रीवियस सेल पे भी बोल सकते हो या तो लेफ्ट साइड भी बोल सकते हो, दैट विल गो प्रीवियस सेल. ओके, ऑफ दैट रो. नेक्स्ट इज अबाउट F2. अगर आपको कंटेंट में कोई चेंज करना है, यू वांट टू चेंज इट ओवर हियर, राइट? लाइक योर, आई वॉन्ट टू राइट इट ओवर योर जोनाथन इंस्टेड ऑफ जॉन, राइट? सो मैं F2 प्रेस करूंगी, सो द कर्सर विल कम इनसाइड एंड आई विल राइट इट ओवर योर जोनाथन. ओके, नाउ योर ऑल्सो आई वॉन्ट टू चेंज इट टू स्नेहल, तो L. ओके, सो द कर्सर विल कम इनसाइड, सो दिस वे यू कैन डू द चेंजेस. सो हाउ मेनी शॉर्टकट कीज? फर्स्ट वन एस्केप की टू कैंसिल, तो यहाँ मैं आपको जस्ट क्लिक कर फिर से बता रही हूँ, आई विल प्रेस एस्केप. If I want to accept, तो ये second वाला हमारा shortcut, that is enter, then shift plus space bar. अगर आपको क्या करना है, you want to select the row, right? And control plus space bar to select the column, okay? Then control plus home to go back to the first cell of the worksheet, then control plus end, जहां मैंने last लिखा है वहां वो cursor चला जाएगा. Then home key, then it will go to the starting of the first cell of that row, then tab key, agar aapko next cell pe jana hai, and previous pe jana hai, then you have to press shift and tab key, okay, so previous mein chala jayega, and lastly F2, if you want to do the changes in the data, to aap edit kar sakte ho by getting the cursor inside the cell. So thank you, and if you like my video, please like, share and subscribe. And next video will be related to again the shortcut keys of Word. Okay, so bye everyone. Have a nice day. And please like, share and subscribe my channel. Thank you.